नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। मैं आज आपको बताऊंगा ये होम थिएटर का जो 3 IC का बोर्ड होता है, मैं आज आपको इसकी ऐसी वायरिंग बता दूंगा कि आपके पास बोर्ड कोई सा भी हो आप उसकी वायरिंग पूरी कर दोगे। ये देखिए, आप सिर्फ ये प्रिंट विरिंट कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आप एकदम ओके हो जाओगे। आज के बाद आप 3 IC का बोर्ड कोई सा भी लगा दोगे। आज अब मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा डिटेल में कि IC कैसे काम करती हैं, कहाँ इनके कनेक्शन होंगे, कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखना, इसको काटना नहीं। अगर काटोगे तो आप कहीं मिस्टेक छोड़ दोगे जो चीज़ मैं आज सारी बताऊँगा आपको। तो देखिए, ये हमारा बोर्ड होता है। मार्केट में जो आपको बोर्ड मिलेगा उसमें ये 4558 एक ही IC मिलेगी, इसमें ये दो लगी हुई है। लेकिन जहाँ तक है आपको 90% जो बोर्ड मिलेंगे उसमें एक ही IC मिलेगी ये 4558 की, और तीन मिलती है आपको 2030 और 2050 दोनों कनेक्शन में दोनों सेम ही है, बस वाटेज में फ़र्क होता है दोनों का। जो 2030 होती है वो आपकी 12 वाट की IC होती है, और जो 2050 होती है वो आपकी 32 वाट की IC होती है। ये देखिए, 2030 आपकी 12 वाट होती है, 2050 जो 32 वाट होती है, बस इसमें इतना ही फ़र्क होता है, कनेक्शन दोनों के सेम होते हैं। तो आज मैं आपको इसको पूरे बोर्ड के बारे में जानकारी देता हूँ। और अगर 78.5 की आपको ये कैसे काम कर रही है जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियो के लिंक में जा सकते हैं, मैंने आई बटन पर इसका लिंक दे रखा है। अब देखो, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये हमारी 2030 IC है। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये IC हम इसलिए यूज करते हैं, ये खाली बेस के लिए होती है। इसमें 2 IC जो होती है वो हमारी कॉमन होती है, जो सेटेलाइट के कनेक्शन जाते हैं, और एक IC जो होती है हमारी बेस के लिए होती है। ये देखिए, एक IC हमारी ये वाली बेस के लिए है। इसमें देखो, यहाँ सब वूफर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे बूफर के कनेक्शन लग जाएंगे। और अगर ये भी बूफर के कनेक्शन, जैसे ये लिखा हुआ है, लेकिन बहुत से सर्किटों में ये लिखा हुआ ही नहीं होता, और ये 4558 खाली बेस के लिए यूज होती है। आज जो भी मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा वो सिर्फ 3 IC के बोर्ड के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मैं आपको अब इसके कनेक्शन बताता हूँ। देखिए, पहले कनेक्शन देखिए, ये हैं इसके डाईबोर्ड। तो इसमें तो आप सीधे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन लगाएंगे। ट्रांसफार्मर में आपको 3 वायर मिलेगी, एक वायर उसमें बीच वाली कॉमन होती है और 2 एक ही कलर की होती है। तो जो बीच वाली वायर है वो आपकी ग्राउंड होगी, जो बीच वाली पिन पे लग जाएगी। ग्राउंड की पहचान ये है कि ये जो कंडेंसर लगे हुए हैं 2, इसमें 2 कंडेंसर एक ही पिन पे शॉर्ट होंगे। ये हमारा ग्राउंड है और 2 हमारे ये कॉमन हो गए। मैं आपको इस ट्रांसफार्मर का फ़ोटो भी डाल दूंगा वीडियो के अंदर, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर की जो 3 वायर होती है इसमें 2 कॉमन होती है और 1 ग्राउंड होता है। तो आपको ये पता लग गया। अब मैं बताता हूँ ICO के बारे में। ICO के अंदर आपको क्या करना है, इसकी जो पहली पिन होती है वो होती है हमारी इनपुट। ये वाली जो पिन होती है ये हमारी इनपुट होती है। तो इनपुट उसकी इन तीनों के अंदर कॉमन है। इनपुट हम उसे बोलते हैं जो हमारा वॉल्यूम होता है, जैसे ये 47K वॉल्यूम है, तो इसके अंदर 3 वायर होती है। हमारी जो पहली पिन होती है ये तो हमारी चली जाती है कार्ड पे। पहली पिन की जो कनेक्शन है वो कार्ड पे लग जाते हैं, जो कार्ड का इनपुट होता है, USB जिसे कार्ड बोलते हैं हम। ये 47 के हमारा डूल है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारी जो पहली पिन होती है वो तो हमारी कार्ड पे चली जाती है, और जो ये बची, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड होती है और ये वाली पिन हमारी ODO होती है। तो अब देखिए आप, ये जो पहली पिन है ये हमारी इनपुट है, जो ODO की ये वॉल्यूम की जो बीच वाली पिन है इस पे जाएगी पहली पे। तो इस सर्किट में देखिए आप कि इसके अंदर ये देखिए, पहली पिन जो है ये पहले यहाँ पर आई हुई है, फिर यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसर से सीधा यहाँ पर आई है। ये हमारे तीनों बेस के कनेक्शन हैं। इसमें ये बेस का ग्राउंड है, ये ODO आउटपुट है और ये इनपुट है। और इनपुट की पहचान देखिए आप, सीधी ये प्रिंट जो है ये सीधा आपका 4558 पे आया हुआ है। तो ये हमारे बेस के कनेक्शन है और ये हमारी बेस की IC है।
और ये देखिए बेस केस में तार ये लगे हुए हैं, ये रहे। तो ये हमारी पहचान हो गई है बेस की। अब आपको हमें अब पता लगाना है कि इसमें स्पीकर के तार कहाँ लगेंगे। तो इसके अंदर ये देखिए जो हमारी चौथी पिन होती है वो ऑडियो की होती है। ये देखिए आपको सिर्फ प्रिंट को नहीं देखना है, सीधा आईसी की चौथी पिन देखिए कि इसकी आउटपुट कहाँ है। अब ये देखिए इसमें चौथी पिन यहाँ लगी हुई है, ये प्रिंट सीधा नीचे आया और यहाँ देखो स्पीकर के तार लगे हुए हैं। तो सीधा आपको चौथी पिन के ऊपर अपने स्पीकर की वायर लगानी है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए सेटेलाइट पे। तो सेटेलाइट के अंदर भी यही है। ये देखिए यहाँ पर पहली पिन पे इनपुट है, तो ये इनपुट हमारी यहाँ पर आई हुई है और ये सीधा इनपुट जो है रेजिस्टेंस द्वारा होते हुए ये सीधा इस आईसी पर आई हुई है जो दूसरी 4558 लगी हुई है। लेकिन ज़्यादातर बोर्डों में आपको ये एक ही आईसी मिलेगी बेस के लिए खाली, ये इसमें लगा दी गई है सर्किट के अंदर। ये थोड़ा सर्किट अच्छा बना हुआ है और यही चीज़ इसमें है कि इसमें चौथी पिन पे देखो सेटेलाइट के वायर है। ये देखो चौथी पिन पे सीधा ये यहाँ आ रहा है सेटेलाइट पे, और यहाँ पर देखिए ये सेटेलाइट पे फिर इन्होंने रेजिस्टेंस लगाई हुई है 2.2 ओम 1 वाट में, ये 2 वाट में दो रेजिस्टेंस लगाई हुई है। तो आप सीधा प्रिंट को देखिए बस, सर्किट मत देखिए। ये चौथी पिन देखिए सीधा यहाँ आई हुई है, यहाँ पर 2.2 ओम लगी हुई है, फिर सीधा नीचे आ गई है या यहाँ पर, ये देखिए दोनों पे। तो यहाँ पर हमारे सेटेलाइट वाली वायर लगेगी जो हमारा छोटा वाला स्पीकर होता है। अब ग्राउंड आपको ये बताई दिया है कि ये जो दोनों पिन जो एक ही जगह होती है हमारे कंडेंसर की, ये ग्राउंड होता है। एक इसमें माइनस वोल्ट होती है, एक प्लस वोल्टेज होती है। अब आपको ये पता लग गया कि सेटेलाइट के और इनपुट के तार कैसे लगेंगे। ट्रांसफार्म के आपको बताई दिए हैं। अब 78.5 के बारे में मैं आपको इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा। 78.5 कैसे काम करता है वो आपको पता लग जाएगा। और वैसे भी ये देखिए ये जो प्रिंट जा रहा है इसके अंदर हमारा जो 78.5 होता है यहाँ पर 5 वोल्ट आएगी। और आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि 78.5 वोल्टेज कहाँ निकलती है। अब देखिए दोस्तों ये जैसे इसमें 4558 2 लगी हुई है, तो आप ये कैसे पहचानोगे कि इसके अंदर बेस की आईसी कौन सी है। तो बेस की आईसी का मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, आसान तरीका जो कोई भी भाई हमारा देख के एकदम से पहचान लेगा। ये देखिए इसमें ये 224 पीएफ लगा हुआ है। पीएफ चाहे कोई से भी नंबर का हो सकता है, 224 हो सकता है और 104 भी हो सकता है, और मतलब कोई से भी नंबर का हो सकता है। एक तो इस पर पीएफ लगा होता है और दूसरा जो है ये जो 10 के रेजिस्टेंस लगी हुई है दो, एक ये दो रेजिस्टेंस और पीएफ, ये तीनों चीज़ एक ही जगह पे लगे हुए होंगे। तो हमारे बेस वाले आईसी की ये पहचान है। यहाँ पर 10 के भी हो सकती है, 22 के, 15 के, कोई से भी लगी हो सकती है, लेकिन ये तीनों चीज़ एक साथ लगी होगी। तो 4558 की ये पहचान है कि ये आईसी हमारे बेस के आईसी के लिए यूज कर रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो शेयर भी करना।